हेलो एवरीवन, आज हम जेई यूपी बीसीएल जेई और एक जो भर्ती है उसमें आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें कितना टाइम लग जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने आप लोगों से सोचा कितने कमेंट के जवाब देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दें। तो मैं बता रहा हूँ अभी दोस्तों जेई की और एई की भर्ती आने में, ठीक है, ये तो अभी नोटिफिकेशन दे दिया कि हाँ इतना निकालेंगे, इतनी पोस्ट निकालेंगे, जेई 580 पोस्ट और एई की 395 पोस्ट निकालेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये आपको सरकार द्वारा सूचना दे नोटिफिकेशन दे दी गई। अब बात रहेगी कब तक ये भर्ती आएगी, ये भर्ती आने में दोस्तों अभी कम से कम एक महीने लग जाएंगे, ठीक, 1 मंथ लग जाएगा आने में, 1 मंथ आने में लग जाएगा, 1 मंथ आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा, 1 से 1.5 मंथ लग जाएंगे आने में भर्ती को, ठीक है। और इसके बाद 1 से 1.5 महीना आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म को भरा जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा कितना, 1 मंथ तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, 1 मंथ आपका फॉर्म फिलअप होगा। इसके बाद आपको 2-3 महीने का टाइम दी जाती है तैयारी करने के लिए। तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए कि सर इसमें पीसीएल आ गई, अब हम इसी में लग जाए क्या, जे आरआरबी जे छोड़ दे क्या, नहीं, अभी आप आरआरबी जे तब तक आप आराम से उसका एग्जाम दे देंगे, जब तक ये भर्ती का फॉर्म भी आप अप्लाई करते रहेंगे उसके पहले ही आपका आरआरबी जे CBT 2 का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इतना ज्यादा कमेंट और इसमें ज्यादा प्रेशर मत करिए कि सर UPPCL आ गए उसमें तैयारी लग गई आरआरबी जी छोड़ दें। हाँ, जिनका कट ऑफ बहुत नंबर बहुत कम है वो तो तैयारी करने स्टार्ट कर दें, और जो CBT 2 की तैयारी में लग रहे हैं उनका आ रहा है वो छोड़े ना यार, अभी इसमें बहुत टाइम लगे, UPPCL वाकई में टाइम देता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी में फोकस करिए और आरआरबी जेई को अच्छे से क्वालिफाई करिए। मेरी क्लास चल रही है, जीके मेहता MCQ करवा दिया, आर के राजपूत करवा दिया है, ठीक है, और अभी इस मंथ में बहुत सारे लेक्चर दे भी दूंगा CBT 2 के पहले ही। तो आप लोग पल पल के अपडेट और इसके लिए तैयारी के लिए CBT 2 के लिए और UPPCL तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए कि आप लोग चिंता ना करें, ये वीडियो देख के उनको संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ, फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।